এভাবে কে ডাকে, এভাবে কে ডাকে, এভাবে কে ডাকে, সোনা কাঠি রূপ খাতি চোয়ায় করিয়ে কি হারিয়েছি আমায়, ধোয়া ধোয়া এভাবে কি ডাকে, ও এভাবে কি ডাকে। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये क्या गाना गा रहा हूँ और आप लोग को क्या सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई मैं जो गाना गा रहा हूँ इस गाने के बारे में ऑलरेडी ये जानकारी हम लोगों ने आप लोगों को दी थी कि भाई बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जीत की आने वाली मच अवेटेड फिल्म चिंगेज़ में आपको अरिजीत सिंह की आवाज़ के माध्यम से एक ज़बरदस्त रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिलेगा। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भैया चिंगेज़ में अरिजीत सिंह का ये रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन केवल बांग्ला ऑडियंस के लिए मेरे भाई। यानी कि भैया कल चिंगेज़ को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई चिंगेज़ का एक सॉन्ग तेरी मेरी बातें लॉन्च की जा चुकी है हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। और भाई इसी गाने के साथ भैया इस फिल्म का बांग्ला वर्जन यानी कि एबा बे की डाके ये भी लॉन्च किया गया अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और भाई इस गाने के बारे में कई लोग मुझसे लगातार ये अपील कर रहे थे कि आप अरिजीत सिंह के आवाज़ में आए हुए इस गाने को भी सुनिए और इसका भी रिएक्शन हम सभी को दीजिए। तो दोस्तों अरिजीत सिंह को लेकर तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया वो अपनी आवाज़ जिस गाने को दे दे वो गाना सुपर से ऊपर हो जाता है। लेकिन भाई अरिजीत सिंह की आवाज़ जो है इस बार पता नहीं क्यों सुपर से ऊपर नहीं हो पाई। यानी कि भैया एबा बे की डाके जो है उसे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है लॉन्च हुए बांग्ला ऑडियंस के बीच में। और भाई इस गाने को अब तक जो व्यूज़ मिला है बंगाली वर्जन के माध्यम से वो भैया आंकड़ा ऐसा है कि उसको देखने के बाद मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि भैया इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है और इस गाने को अभी तक केवल इतना व्यू मिला है मेरे भाई। यानी कि भैया ये गाना अभी तक 1 मिलियन का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रही है मेरे भाई। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 7,10,243 लोगों ने अब तक इस सॉन्ग को बांग्ला लैंग्वेज के माध्यम से सुन लिया है। और अगर हम लोग बात करें भैया कि एबा बे के डाके को अब तक कितना लाइक मिला है ऑडियंस के माध्यम से तो भैया वो आंकड़े केवल 54,000 का है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया तेरी मेरी बातें की तो भैया इस सॉन्ग को अब तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो व्यूज़ मिल चुका है वो आंकड़ा है 8,44,095। यानी कि भैया इतने लोगों ने इस सॉन्ग को सुन लिया है भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। और भैया 56,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस गाने की सराहना भी की है। तो भाई यहाँ पर मैं ये सवाल चिंगेज़ के मेकरों से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब अरिजीत सिंह जो हैं वो हिंदी में भी गाने गाते हैं और हिंदी ऑडियंस के बीच में उनकी रीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हिंदी ऑडियंस के बीच में, तो भाई ये जो गाना हम लोगों के सामने आया तेरी मेरी बातें इस गाने को अगर आप लोग अरिजीत सिंह के माध्यम से ही गवाते ना तो भाई इससे चिंगेज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता। यानी कि भैया चिंगेज़ का जो ये सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है बांग्ला हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, अगर भैया इन दोनों लैंग्वेजों में अगर अरिजीत सिंह की आवाज़ होती तो भैया इस गाने को इतना रीच मिलता कि भैया चिंगेज़ की आवाज़ पूरे इंडिया तक पहुंच सकती थी। लेकिन भाई आप लोगों की एक छोटी सी भूल ने भैया इस गाने की आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया मेरे भाई। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि भैया तेरी मेरी बातें को संचित हेगड़े ने अच्छे से नहीं गाया है, भाई उन्होंने भी बहुत ही प्यार से इस गाने को गाया है। लेकिन भैया इस वक्त अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ भैया चिंगेज़ को अभी इस वक्त इस स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए कि हमें अपनी फिल्म के रीच को अपनी फिल्म की पहुंच को ऑडियंस के बीच में बृहद रूप में पहुंचाना है तो भैया इस फिल्म के लिए हमें बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। तो भाई ये तो एक तुरुप का पत्ता था, अरिजीत सिंह एक तुरुप का पत्ता था, अगर वो इस गाने को हिंदी लैंग्वेज में भी गाता तो भैया इस गाने को इतना रीच मिलता कि भैया चिंगेज़ को लेकर आज भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ज़बरदस्त हाइप बना रहता। लेकिन आप लोगों ने ये मौका गवा दिया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है चिंगेज़ के मेकरों के द्वारा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया जो बातें मैंने इस फिल्म को लेकर आप लोगों से कही है उस बात में आप लोगों को दम नज़र आ रहा है कि नहीं। तेरी मेरी बातें को अगर अरिजीत सिंह गाते तो भैया इस गाने को कितना रीच मिलता,
अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।